अच्छा तो चाचू साहब, आप मानवपुर राव जी की हिस्ट्री बताइए, क्या हिस्ट्री है, हम सब ये जानना चाहते हैं। जी सर, ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जी, जो इतिहास में भी इसका वर्णन नहीं। यहाँ हमारे पूरे अन्य ब्लॉक के या हमारे यहाँ और राज के सभी देवी देवता जो है यहाँ समय समय पर आते रहते हैं, सैलानी लोग भी यहाँ आते रहते हैं। तो इस देवते की यहाँ आने पर जो भी यहाँ बहुत लोग जो आते हैं उनकी हर मनोकामना जो है संपूर्ण हो जाती है। इसीलिए ये बड़े मशहूर जगह है। ये देवते की कुछ एक ऐसी चना में जिनकी मतलब ऐसी कृपा है जिनकी उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है यहाँ आते रहते हैं। अभी भी तो पिछले कल यहाँ झाड़ा होता है हमारे जी, तो जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ आते रहते हैं। तो साथ में जैसे यहाँ ये झील है, ये मतलब 12 महीने ही इसी तरह की रहती है जी, तो देखने के लिए घूमने फिरने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। साथ में यहाँ रेस्ट हाउस है, तो थोड़ा रोड का पैदल ही आते हैं यहाँ से, तो समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। ये जो है साथ में ये झील है जी, यहाँ से जो है देवते की पूजा के लिए भी जल लिया जाता है जी। तो कभी जब अकाल वगैरह पड़ता है तो यहाँ का पानी जो है स्थानीय लोग जो है पीने के लिए भी यूज करते हैं। तो साथ में जो ये गांव आता है, जैसे हमारा ये बाड़ा गांव आता है, साथ में ये जेरा गांव आता है, साथ में ये कुटल गांव आ जाता है। तो साथ साथ जो है मंदिर के साथ साथ जो है काफ़ी सारे गांव हैं जी। तो समय समय पर जो है यहाँ देश विदेश के मतलब बाहर के हाँ जी भूमि दस भी यहाँ देवते के दर्शन के लिए आते रहते जी। तो साथ में जो ये बना है जी, ये स्टोर है जी, इसको ये साथ में ये बना है बगल में, इसको चौड़ी बोलते हैं जी। हाँ जी, जब यहाँ झाड़ा होता है तो यहाँ यहाँ से ही देवते का बागवा जागर शुरू होता है जी, तो उनके लिए बैठने के लिए जी। तो साथ में जो बना है ये किचन वगैरह है, तो चला है जी यहाँ काम काज बड़े जोरों से चला है जी। तो थोड़ा धन का अभाव है यहाँ, पैसे की कमी है, तो यहाँ अब लोग भी यहाँ के लोग जो है देते कि आमदनी भी बहुत होता है जी, बहुत होता है, पर खर्चा भी इसी हिसाब का है जी। तो बाकी तो बहुत अच्छा है जी, घूमने फिरने के लिए भी बहुत है। साथ में यहाँ रोड है, यहाँ से 500 मीटर लगभग 500 मीटर होगा जी, तो हमारे हाँ रेस्ट हाउस है जी। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए कुल्ली के लिए जो है बिल्कुल नजदीक रास्ते जो हमारे जिले रिजोर्ट के लिए क्रॉस हो जाते जी। तो वैसे भी यहाँ जो है दूर दूर से सैलानी लोग जो है घूमने के लिए भी आते रहते हैं। जो भी यहाँ इस जो भी यहाँ दर्शन करके जाते हैं तो उसकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है बिल्कुल। ये आप ऐसा मानो कि भाई जो यहाँ इस जगह में जो इस देवता ने इस ऋषि ने जो कह दिया वो वैसे ही होते जी। हाँ जी, ऐसा क्योंकि हमने हमारे बुजुर्गों से लेकर हम यही सुनते हैं कि भाई जो भी यहाँ फैसला होता है वो बिल्कुल सत्य होते हैं। मैं सभी जानना चाहता हूँ कि ये पत्थर है, ये क्यों है यहाँ खड़ा किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, ये सर ये एक तरह की बाउंड्री मानी जाती थी। बाउंड्री के लिए? हाँ जी, बाउंड्री मानी जाती थी ये। फिर इसको जो है मतलब क्या बोलते हैं हमारे जो है नहीं, जब देवता लोग जो क्या नाम आते नहीं, ये रथ जब जाता है तो मतलब ये इसमें पूरे में चक्र काटेगा ये। जैसे चक्र काटने के बाद जैसे यहाँ से कभी भी जाते हैं ऊपर श्रेयसर जाते हैं, श्रेयसर से जब आएगा तो
ये रास्ता है, मेन रास्ता है, मेन रास्ते से यहाँ से क्यों ये पवित्र माना जाता है, ये इस झील का जो पानी है जी, इससे बड़े बड़े वो होते हैं जी, कई जैसे चरम रोग में, ऐसा नहीं है जी कि भाई यही रुका है ये पानी जो अंडरग्राउंड जो है हमारे लोमश ऋषि वहाँ जहाँ से उनका पूजा के लिए जो पानी आता है बिल्कुल इसी जगह से जाते जी। तो क्यों यहाँ के सब लोग बोलते हैं जो ये देवदार के जो पत्तियाँ जो उस बॉडी के अंदर मिलेगी, वहाँ जो लगा जो जहाँ से वो निकासी होती है पानी की तो वहाँ से उससे वो निकलता है जी। तो ये चौरी है जी, चौरी बोलेंगे जी इसे, यहाँ ये बैठने के लिए हमारे बजंतरी हाँ जी राजा गाजे वर्ण की जगह जी। तो हाँ जी, तो ये चौरी है जी, इस जगह में जो है मतलब ये हमारे जो बाजा गाजे वाले जो होते हैं उनके बैठने के लिए ये जगह बना, ये मंदिर बनवाया गया है जी। फिर इसके आगे जो जैसे ये गेट क्रॉस दरवाजा क्रॉस करने के बाद जो है ये हमारे स्थानीय स्कूल प्ले नाक का मूल जगह जो है उस स्थान में है जी। तो इसकी कृपा से जो है यहाँ पूरा जितना भी हमारा ऑटर्स राज जो है आनी ब्लॉक जो है इसकी कृपा से जो है जो भी क्या नाम हो जो भी दुख दर्द जो है वो दूर करते हैं, दूर होता है। जैसे अंदर जो है ये अंदर वाली जो जगह है इसको बगैरी बोलते हैं जी, इसके अंदर जो है कोई भी नहीं जाता जी, पुजारी ही जाएगा इस मेन जगह में जो इसका जो जो दरवाजा है इसको पुजारी खोलेगा जी। तो साथ में ये कुंड है, ये कुंड बोलते हैं इसको जी, यहाँ जो है बैठने झाड़ा होता है जी। तो साथ में ये हाँ जी टोना नाग है, हाँ जी इसमें भी नाग देवता ही रहते हैं जी, नाग देवता रहते हैं, टोना नाग का ये मंदिर है जी, ये अलग से ही बैठे हैं जी। तो बाकी ये पूरा ही भर जाता है जी, मतलब यहाँ अब जैसे पिछले कल कम से कम यहाँ 1500-1800 आदमी जो है इसी जगह में मतलब बैठे थे जी। तो साथ में ये सारे जितने भी जो है जैसे वीर है, वीर पांच वीर है, पांच वीर हाँ जी हाँ जी ये पांच वीर है जी। तो बाकी ये सारे जो है ये इसी कटने का ही है जी। ये तो समय समय पर जो है यहाँ जैसे किसी का कोई औलाद नहीं हो रही है तो यहाँ देते से वो एक तरह का बर मांगते हैं, कहते हैं जी भाई हमें जो है संतान होनी चाहिए। फिर यहाँ देवते के पास देवते का ऐसा जी यहाँ साथ में सुपड़ी बोलते हैं जी, साथ में जो ये द्यार का पेड़ है जी इसमें सुपड़ी है जी, जैसे ओलावृष्टि होती है जिसके बीते पिछले कल जो है जी इसका यहाँ झाड़ा हुआ है जी, झाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उससे भी थोड़ा रोकथाम हो जाता है जी। जैसे या कभी सूखा पड़ जाता है तो लोग जो है यहाँ जेते के पास आते हैं, विश्वास आते हैं, पता विश्वास होता है कि जी जी जी। तो मतलब महीने में 2-3 बार जो है यहाँ झाड़ा होता है, यहाँ डेली दिन के जो है मतलब प्रतिदिन जो है यहाँ हजारों के हिसाब से जो है लोग आते जाते रहते हैं जी। तो ऐसा जी यहाँ थोड़ा आवाज है ये है कि दुकानें वगैरह नहीं है जी, दुकानें नहीं है जी, तो इसलिए ये मतलब गाँव में जाना पड़ता है, पानी का भी अभाव है जी, पानी बहुत कम मिलता है, यहाँ सोर्स में नहीं है जी पानी, बस इस झील का ही पानी को कभी यूज करते हैं, नल का दिया है IPH विभाग ने, तो इसमें भी पानी का वो अभाव है जी। पानी का होना जरूरी है, सबसे मशहूर क्या नाम ये मंदिर इसीलिए है, यहाँ जो है हर मनोकामना पूर्ण होती है जी, मतलब दूर दूर से लोग इसकी मान्यता भी जो है मतलब मूल जगह जो है यही पिणियों में ही है जी, स्थान जी पिणियों नाग के ही नाम से इसको जाना जाता है जी। तो इसका जो है दूसरा क्या नाम जो स्थान जो है कांग्रेस में भी है जी, हाँ जी जिसे कुंसी महादेव के नाम से जाना जाता है जी, तो वहाँ भी सेम इसी तरह का है जी, मतलब कि वहाँ जो है आजकल मंदिर निर्माण का काम चला है जी, तो जैसे वो काम पूरा हो जाता है उसके बाद तुरंत यहाँ पर काम किया जाएगा जी, हाँ जी जिसमें थोड़ा ऐसा है यहाँ
धन की भी इतना एकदम कहाँ से खर्च कर पाएंगे। वहाँ जो है 15-18 लाख का मंदिर बन रहा है जी, वो जी तो इस तरह से जो है एकदम नहीं। तो जैसे ये झील का जो है ये पानी है, बल्कि ये जो है मतलब दुनिया में अकाल पड़ जाए पर ये पानी कभी नहीं सूखेगा जी। ये 12 महीने ये इसी तरह का रहेगा जी। जब इलाके में भी कहीं क्या नाम पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो गांव के लोग जो इसी मंदिर का इसी झील का पानी पीने के लिए हाँ जी हाँ जी हमारे भी ले गई, हम भी ले जाते थे, ये यहीं से ले जाते थे। तो बाकी सर ये ऐसा ही अभी इसका काम अभी अधूरा रहा है, ये भी चला रहेगा। हाँ जी थोड़ा हम ये चाहते थे अगर इसमें थोड़ा सरकार भी सरकार का भी कोई ध्यान सहायता देती, सहायता मिलती तो यहाँ जगह भी बड़ी अच्छी मशहूर जगह ये होगी कि जिससे यहाँ मतलब आने जाने में भी लोगों को सुविधा होनी चाहिए। तो वैसे भी लोग यहाँ जो है पैदल ही आते जाते रहते हैं, तो साल में जो यहाँ श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा ही रहता है मतलब।